नमस्कार, फरीदाबाद में किशोर शर्मा और तोड़फोड़ दस्ता अब आ चुका है NIT1 मार्केट। NIT1 मार्केट में तोड़फोड़ दस्ता, जो दिवाली के आसपास जो दुकानें लगती हैं बाहर मेट्रो के बिल्कुल सामने, जो दुकानें लगती हैं, मार्केट लगती है, उसके बाहर यहां पर तोड़फोड़ दस्ता पहुंचा है। और देख सकते हैं लोगों ने किस तरह से रोड के बाहर, एक्चुअली ग्रीन बेल्ट की जगह होती है, और यहाँ पर किसी ने सरिया बिछा रखा है, किसी ने अपने स्टॉल लगा रखी है, और कई दुकानदार तो क्या करते हैं, रेहड़ी वालों को, पटरी वालों को दे देते हैं, उनसे किराया वसूलते हैं। क्या कार्रवाई चल रही है जी? ये पीछे है, पीछे है। अच्छा नवीन जी, नवीन टी शर्ट में एच डी साहब पहुंचे। नवीन जी, क्या कार्रवाई चल रही है आज भाई? ये चल रही है तोड़ फोड़ की कार्रवाई, चल रही है। मैंने जो कर रखा लोगों ने वही हटा रहे हैं। हाँ, अतिक्रमण की हमारी तो पूरी कोशिश है कि भाई इसको हटाओ। मैं दिन प्रतिदिन लगे, ये जो यहाँ जाम ही इतना लगा रहे हैं पहले आज। हाँ, जाम लगा रहता है। मतलब रेडी पटरी वालों को अलग से दे देते हैं शेड पे, किराए पे भैया, दुकान के आगे लगा लो। रेडी पटरी वालों को पहले भी हम लोगों ने दिया था, वहाँ पंचमुखी हनुमान मंदिर के डिमार्केशन भी कराया था रेडी पटरी वाले, लेकिन वहाँ लोकेशन करवा के वहाँ पे कोई भी नहीं रुका। वो कह रहे हैं जी हमारी चलती फिरती है, जहाँ भी सेल होगी वहीं लगाना चाहते हैं वो। दिक्कत ये है, ऐसी हमारे पास कोई जगह अवेलेबल होगी तो भाई उसका प्रावधान करेंगे। दुकानदार अपने दुकानों को आगे लगवा लेते हैं उनसे आगे, तो ये बिल्कुल गलत है। दुकान अपनी हद में रहे वो। चालान काटोगे, क्या कार्रवाई करोगे? चलानिंग तो वैसे हम NGT के चल रहे हैं, इनके अभी चलान नहीं हो रहे हैं, NGT के चलान चल रहे हैं, और ये इनको इनक्रोचमेंट हटा रहे हैं। हटाते दोबारा कर देते हैं इनक्रोचमेंट, ये अब भाई लंबे समय से नहीं करी है तो ये रूटीन में होनी चाहिए, जब इसको सक्सेस हो सकती है। ये प्रोसेस चल रहेगा भैया, रूटीन प्रोसेस देखो, जैसे आदेश मिलते हैं। मार्केट है फरीदाबाद, यहाँ पर जाम अक्सर देखने को मिलता है। मैं तो बहुत बार यहाँ से जाता हूँ तो देखता हूँ इस चीज को। हाँ, जाम का मेन रीजन ही सिर्फ ये है कि दुकान की हद से बाहर। हाँ बिल्कुल, पूरी मेरे ख्याल किसी को दे दी होगी सेट में किराए, दो पैसे वसूल लेते हैं। है? दुकान का आगे देखो, कपड़े की दुकान लगा ली। ये सर्दी के मौसम आए हुए इनको, सबको भी कहा तो है, इधर से सभी कह रहे हैं। फरीदाबाद ये अतिक्रमण सफाई का अभियान ये नगर निगम द्वारा चल रहा है, SDO नवीन इस कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिलवा रहे हैं। और ये देख सकते हैं दुकानदारों ने यहाँ पर काफी अतिक्रमण किया हुआ दुकानों के आगे। भाई और ये खोखा ठेके का आगे खोखा लगा रखा है, नमकीन का, बिस्कुट का। हाँ जी, बढ़िया लगा दिया है। हाँ जी, बहुत बढ़िया आ गए, शहर का सौंदर्यीकरण हो रहा है। हाँ जी, अरे लखा जी चाह रहे हैं सही शहर बनाएंगे आप? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। या आपके दुकान वाइन शॉप? ना मेरी यानी है। ओके, कर दो कोई दिक्कत नहीं। हाँ कर लो आराम से, रेंट तो अभी चले जाएंगे फिर। हाँ, गरीब मार तो है यार, बेचारा क्या 200-300 कमाता होगा। हाँ, क्या कमाता होगा दिन भर में, ये क्या कमाता होगा? मार्केट हटा दी पूरी, टिकोना मार्केट हटा दी, क्या कमाते होंगे? गाड़ी ठीक कर रहे हैं वहाँ तो। देखो आदमी को टाइम दे दीजिए, इन्होंने मुझे कहा कि नोटिस दिया, मुझे कोई नोटिस नहीं आया टिकोना पार्क ठेके पे, कोई नोटिस नहीं आया। जबरदस्ती का वो है कि तुमने उठा के ले गए सामान, ले गए, टाइम तो दो, अगला किनारे तो करे। दुकान के आगे भाई गाड़ी ठीक हो रही है, और गाड़ी ठीक करने का उनका काम है, तो वो कहाँ करवाएगा? हमारी सुन लिया करो कभी, ठीक हो जी। NIT1 फरीदाबाद देख सकते हैं, यहाँ पर नगर निगम के द्वारा ये अतिक्रमण हटाओ अभियान यहाँ पर चल रहा है। और ट्रैक्टर नगर निगम का यहाँ पर जो लोगों ने जो आगे दुकान के आगे जो जगह घेरी हुई है उसको यहाँ पर साफ किया जा रहा है। NIT1 बिल्कुल फरीदाबाद मॉल के सामने हम मौजूद हैं।
ये अतिक्रमण जो वैसे तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्यों लोगों ने यहाँ पे ना बहुत ज्यादा आगे इधर ये मार्केट नहीं अपनी, ये तिकोना पार्क जो गाड़ी मार्केट, इस पे तो जरूरत से ज्यादा जाम रहता है। इसको ज्यादा जरूर बहुत मेहरबानी करवा दी, वो भी करवा दिया, सरकार की मेहरबानी होगी। लखा जी बड़े काम कर रहे हैं, लखा जी भी काम कर रहे हैं, कमिश्नर जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा काम है। इसके बाद ये अच्छा प्रयास है एमसीएफ का नगर, एक दो के चौक वाला भी, एक दो के चौक वाला भी लोग कह रहे हैं कि हमारे भी जो अतिक्रमण है वो यहाँ पर हटवा दिया जाए, साफ करवा दिया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं दुकानदारों ने काफी अतिक्रमण किया हुआ है, लेकिन कार्रवाई यहाँ पर देख सकते हैं एमसीएफ द्वारा बोर्ड्स जो हैं बोर्ड लगा रखे हैं लोगों ने दुकान के बाहर, उनको हटवाया जा रहा है। देख सकते हैं फरीदाबाद, तो जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको। फिलहाल ये कैंपेन, ये ड्राइव चल रहा है नगर निगम का, एसडीओ नवीन इसकी अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन लोगों का सामान जस के तस पड़ा है, कोई ऐसा लग रहा है कि अभियान रुक गया है। देख सकते हैं पाइप पड़े हैं, सब कुछ पड़ा है, लेकिन अभियान जो है नगर निगम का फिलहाल रुक गया है, दूसरी तरफ चला गया है, उस तरफ चला गया फरीदाबाद, और ये जो है छोड़ दी गई हैं। तो कुछ छोड़ दो कुछ तोड़ दो, उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर दुकानें जो NIT1 मार्केट में है इन्हें छोड़ दी गई हैं, और अब एमसीएफ कम्युनिटी सेंटर के साथ एक खान दौलतराम धर्मशाला है, उसके बाहर जो खोखे वगैरह लगे हुए हैं उनको तोड़ा जा रहा है फरीदाबाद। ये कार्रवाई चल रही है, लेकिन ये देख सकते हैं एक नंबर मार्केट, यहाँ पर अभी लोगों का सामान जस के तस पड़ा है, यहाँ पर कार्रवाई चेंज कर दिया गया रूट। तो जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की अन्य खबरों के साथ, फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।